हाई लर्नर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फोटोकॉपी स्कैनलाइन इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे फोटोशॉप में, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। एक आर्टिस्टिक लुक आती है, साथ में रेट्रो फील भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें ब्लैक एंड वाइट की, लेकिन अभी कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है। तो वापस से लेयर पैनल पर आएँ और एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें एक्सपोजर की। यहाँ एक्सपोजर की वैल्यू इंक्रीज़ करें और ऑफसेट को थोड़ा सा डिक्रीज़ रखना है और गामा को थोड़ा सा इंक्रीज़। अब ये सारी एडजस्टमेंट लेयर हमें एक कॉमन लेयर पे अप्लाई करनी है। तो आप पहले बैकग्राउंड को अनलॉक कर लें और शिफ्ट के साथ सारी लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दें टू मर्ज देम इनटू अ सिंगल लेयर। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पिक करें, क्योंकि हमें इस बंदे का सिलेक्शन लेना है। तो टॉप से क्लिक करें सेलेक्ट सब्जेक्ट, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। अब सेलेक्ट पर जाके इन्वर्स कर दें सिलेक्शन को, जिससे बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। इससे हम बैकग्राउंड को और ब्राइट कर सकते हैं विदाउट टचिंग द सब्जेक्ट। और इसके लिए टेक्निक कई सारी हैं। मैं ब्रश टूल यूज़ करूँगा और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सेट कर दें स्क्रीन, जिससे एक लाइट टोन आएगा। और ओपेसिटी भी सेट कर दें 50%। अब बस आप ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करें और हाँ, मेक श्योर आप वाइट कलर चूज़ करें और सारे में आपको वाइट कलर के स्ट्रोक क्रिएट करने हैं अंटिल यू फिल ऑल द पोर्शन ऑफ द इमेज। अब वापस से सेलेक्ट पर जाके इन्वर्स कर दें सिलेक्शन को, ताकि वापस से सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। देन कंट्रोल जी प्रेस करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। देन कन्वर्ट कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट गो टू फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर। यहाँ एंगल वैल्यू 0 और डिस्टेंस 500 पिक्सल, हिट ओके। अब इस पर एक लेयर मास्क ऐड कर दें, क्योंकि हम पूरी बॉडी पे मोशन ब्लर अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ पार्ट हमें रिमूव करने हैं। इसके लिए हम मास्क यूज़ करेंगे, तो ब्रश टूल यूज़ करें। और याद रखें, जब भी हम किसी इमेज पे मास्क अप्लाई करते हैं तो ब्लैक कलर हाइड करता है इमेज को और वाइट कलर रिवील। टॉप से मोड वापस से नॉर्मल रख देते हैं और ओपेसिटी 100%। अब हम मोशन ब्लर बॉडी के ऊपर से हटा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में आपको एक गैप बना के चलना है और राइट साइड में बिल्कुल टच रहेगा मोशन ब्लर, वहाँ से कोई गैप क्रिएट नहीं करना। अब इसमें मोशन और ऐड करने के लिए आप कंट्रोल जी से इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी लें और यहाँ एक्सपेंड करके हम इसको रीएडिट कर देते हैं। लेट्स सेट द वैल्यू 800 पिक्सल, हिट ओके। अब शिफ्ट के साथ इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करें टू मर्ज देम इनटू अ सिंगल लेयर। और अब कन्वर्ट कर दें इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, नेम इट एज फोटोकॉपी स्कैन लाइंस। नेक्स्ट आप फिल्टर पर जाके फिल्टर गैलरी ओपन करें, यहाँ प्रीव्यू देख सकें तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पैन करके मिड में रखते हैं, ताकि हमें व्यू बिल्कुल क्लियर हो। अब इस स्टेप को आपको सीक्वेंस से करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना, नहीं तो आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप एक्सपेंड करें स्केच वाले फिल्टर्स, यहाँ अप्लाई करें हाफ टोन पैटर्न, साइज़ आप 2 रखें और कॉन्ट्रास्ट 10, और पैटर्न टाइप लाइन रखना है, तभी हमें इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। आई नो अभी आउटपुट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे वो पॉजिटिव लगेगा। और इस फिल्टर की जगह हम अप्लाई करेंगे ग्राफिक पेन, यहाँ स्ट्रोक लेंथ 2 रखनी है और लाइट डार्क बैलेंस 40, स्ट्रोक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब इस फिल्टर की एक और कॉपी क्रिएट करें, लेकिन इस बार हम एक टेक्सचर अप्लाई करेंगे ग्रेन्स, इसकी इंटेंसिटी 20 रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट 40 और ग्रेन टाइप हॉरिजॉन्टल, हिट ओके। और फिल्टर अप्लाई हो गए, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें लेवल्स की, यहाँ हाइलाइट्स के एरो को क्लोज ले आए शेडोज़ के, ताकि एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिले। और हमें बहुत ही अच्छा एक फोटोकॉपी स्कैनलाइन इफेक्ट मिला है, जो कि विंटेज भी है, रेट्रो भी है और काफ़ी आर्टिस्टिक लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया या सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग, बाय।